जय माता दी। दोस्तों माँ भगवती की जय, माँ शेरोवाली की जय। आप देख रहे हैं हमारे चैनल HYN न्यूज यूट्यूब। आप देख रहे हैं नवमी रात्रि का मेले का जो भीड़ था वो देख रहे हैं, किस तरह से मेले में लोगों की भीड़ है। पंडाल के पास मध्य रात्रि का भीड़ है। मेले का नज़ारा भी आप देख रहे हैं, कितना भीड़ है या कम है या ज़्यादा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। भीड़ देखा आपको क्या लग रहा है, मेले पे क्या असर है जेब के खर्चों का, पैसों का। यह भी आपको भगत सिंह चौक पूजा पंडाल का है, काफ़ी खूबसूरत काफ़ी आकर्षक ढंग से पंडाल को सजाया गया है, काफ़ी भव्य रूप से बनाया गया है। यही पूजा पंडाल ऐसा रहता है जिसको जो लोग दूर से ही दर्शन कर लेते हैं और साथ में यहाँ पे रुक करके देख सकते हैं, क्योंकि यह दो रोड के दोनों तरफ स्पेस लेकर के बनाया जाता है। तो आपको आप संकट मोचन की तरफ से भी आते हैं तो उधर से भी आप दर्शन कर सकते हैं, अगर आप विजय बिहार की तरफ से जाते हैं तो इधर से भी आप दर्शन कर सकते हैं, या फिर थाना रोड से जाते हैं इधर से भी आप दर्शन कर सकते हैं। लाइटिंग के साथ में पंडाल की भव्यता भी आपको दिख रहा होगा और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। भगवान कृष्ण के मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, काफ़ी अच्छी काफ़ी रौनक काफ़ी खूबसूरत ढंग से सजावट भी किया गया है। इसके बाद दुर्गा पूजा समिति का अधिकांश पंडाल काफ़ी भव्य बनाया, काफ़ी आकर्षक है। जो छोटे पंडाल भी थे वो भी आकर्षक का केंद्र रहे हैं। कल विजयदशमी है, विजयदशमी के साथ में रावण वध के साथ ही दशहरे का समापन हो जाएगा। कल शाम के समय दशमी को रावण वध किया जाएगा और कल 3 बार दशमी का मेला रहेगा और रात में रहेगा। काफ़ी खूबसूरत काफ़ी आकर्षक ढंग से सजावट है पंडाल के साथ में। सड़क का भी किया गया है, आप पूजा पंडाल की तरफ जो भी सड़क पे निकलते हैं वहाँ पे सजावट लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है और काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी आकर्षक ढंग से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। काफ़ी खूबसूरत आपको दिख रहा होगा, काफ़ी मनोरम दृश्य माँ भगवती का भव्य स्थान, इसलिए माँ भगवती विराजमान हैं। लोग उनके दर्शन के लिए, उनके महल के दर्शन के लिए, पूरे पंडाल के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। माता के चरण में अपना सिर झुका रहे हैं, साथ में आशीर्वाद ले रहे हैं माता रानी से कि अगले साल भी वो इसी तरह उनके दरबार पे आए। मूर्ति की भव्यता कहा जाए तो आपको दो तीन जगह पे ज़्यादा बड़ा मूर्ति बनाया गया है। एक आपको न्यू एरिया का पंडाल भव्य है और साथ में उसका मूर्ति भी भव्य बनाया गया है। आपका न्यू एरिया नवादा का भी पंडाल पूजा पंडाल है, वहाँ का भी जो पंडाल है काफ़ी भव्य रूप दिया गया है। मेले की क्या स्थिति है, चलिए आपको मेला देख आप ले चलते हैं। नवादा का मेला ये देखिए, लोगों का भीड़, आते जाते लोग, जैसे उम्मीद
दुकानदार लोग या फिर जो ठेले फेरे लगाते हैं कर रहे थे वैसा उनको नहीं दिखने को मिल रहा है। कि क्या कर आप नवमी के मेले में घूमेगा, देखिए आप स्टॉल लगा हुआ है मगर लोग बहुत कम वहाँ पर भीड़ आपको नज़र आएगा। जैसा कि अमूमन होना चाहिए वैसी नहीं दिख रही है। रात्रि के समय तो इतना भीड़ भी कब तक आपको देखने को मिला है। सुबह के समय जब मार्केट में देखा गया कि वैसा भीड़ आपको नहीं नज़र आ रहा था जैसा भीड़ होना चाहिए था, तो रात के समय थोड़ा भीड़ बढ़ा है मगर लोग